शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस मामले में अंतिम चरण की सुनवाई 18 दिसंबर से शुरू होगी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के सामने 3 दिन तक सुनवाई चलेगी। शिवसेना ठाकरे एक ग्रुप और शिंदे एक ग्रुप के वकील डेढ़ दिन तक बहस कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 10 जनवरी तक नतीजे घोषित करने की इजाजत दे दी है। पहले 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस मामले में अंतिम चरण की सुनवाई 18 दिसंबर से शुरू होगी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के सामने 3 दिन तक सुनवाई चलेगी। शिवसेना ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप के वकील डेढ़ दिन तक बहस कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 10 जनवरी तक नतीजे घोषित करने की इजाजत दे दी है। पहले 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस मामले में अंतिम चरण की सुनवाई 18 दिसंबर से शुरू होगी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के सामने 3 दिन तक सुनवाई चलेगी। शिवसेना ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप के वकील डेढ़ दिन तक बहस कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 10 जनवरी तक नतीजे घोषित करने की इजाजत दे दी है। पहले 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई थी।